नमस्कार नमस्कार। मैं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र देशपांडे आप सब लोगों का इस इंटरेस्टिंग वीडियो में सहर्ष स्वागत करता हूं। मैं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र देशपांडे, मेरे यूट्यूब के आयुर्वेद एकेडमी चैनल में आप सब लोगों का इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। क्यों इंटरेस्टिंग? द टाइटल इज वर्षा ऋतुचर्या। जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो आयुर्वेद शास्त्र का पहला कहना ऐसा है, जो उद्देश्य बताए हैं उसमें पहला है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम्। जो भी व्यक्ति स्वस्थ है उसका स्वास्थ्य हमें रखना चाहिए। और दूसरी बात, बाय चांस हम बीमार हो गए तो उपचार करने चाहिए। तो फर्स्ट इज अ प्रिवेंशन एंड सेकेंड इज अ क्यूरेटिव एस्पेक्ट। जब प्रतिबंध की हम बात करते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर, देन आयुर्वेद ने बताया है कि दिनचर्या के बारे में सोचिए, हमारा पूरा दिन कैसा बिताना चाहिए। ऋतुचर्या के बारे में बात करनी चाहिए, हर एक सीजन में अपनी अपनी कुछ खासियत रहती है। नेचर को हम एडजस्ट करेंगे तो हम भी नेचर के साथ मिले जुलकर बनकर हेल्दी रह सकते हैं। नहीं तो एक बात ध्यान में रखिए, ये जो बारिश का मौसम है उसमें सबसे ज्यादा बीमारियां आती हैं, सबसे ज्यादा पेशेंट की भीड़ हमारी क्लिनिक्स में हो जाती है, दवाखानों में हो जाती है, हॉस्पिटल में हो जाती है, क्योंकि ये सबसे बड़ा डेंजरस सीजन है। जब हम परहेज नहीं रखेंगे और कुछ बातें समझ नहीं पाएंगे तो इसमें हमें बहुत परेशानी हो सकती है। तो इसके लिए ये जो जून जुलाई अगस्त सितंबर, हर एक साल के ये जो 4 महीने हैं, वो भारतवर्ष में ज्यादातर महाराष्ट्र, हम मैं पुणे से बात कर रहा हूं, तो हमारी प्रदेश में ये जून जुलाई अगस्त सितंबर में बारिश के जो दिन है वो बताए गए हैं। तो ये बारिश के दिनों में जो बर्ताव हमें करना चाहिए, जो आचरण हमें करना चाहिए, खान पान करना चाहिए, इसके बारे में सब कुछ जानकारी, उसको बोलते हैं वर्षा ऋतुचर्या। वर्षा का मतलब है बारिश का मौसम या मौसम, और रेनी सीजन, ऋतु का मतलब है सीजन, और चर्या का मतलब है आचरण, दैट मीन्स द लाइफ स्टाइल। चलो चालू करते हैं इस वीडियो को। मैं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र देशपांडे, मैं आयुर्वेद काय चिकित्सा मेडिसिन सब्जेक्ट में एमडी कर चुका हूँ और शारीरिक क्रिया सब्जेक्ट में भी एमडी कर चुका हूँ। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9226810630। ओके, आयुर्वेद ने प्रत्येक ऋतु में दोषों के अनुसार, वात पित्त कफ जो बायो एनर्जीज हैं उनके अनुसार, कौन से ऋतु में किसकी वृद्धि होती है, किसकी शांति होती है, ये बात बताई है वात पित्त कफ के अनुसार। और ऋतुओं के लिए अलग अलग प्रकार के खान पान और रहन सहन, मतलब आहार विहार का स्पष्ट रूप से मार्गदर्शन भी किया है। इसके अनुसार, आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार, आहार विहार अपनाने से स्वास्थ्य की रक्षा होती है और रोगों से हम लोग बच पाते हैं। ध्यान में रखिए, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। ये देखिए कितना अच्छा मौसम है, इसका तो आनंद हमें जरूर लेना चाहिए। फिर आनंद लेते समय हेल्थ इज वेल्थ, ये ध्यान में रखिए। अयन का मतलब है पूरा साल, ईयर। ये ऋतुएं हैं पूरे अयन में जो होते हैं, वर्ष में जो होते हैं, उसके नाम है शिशिर वसंत ग्रीष्म और वर्षा शरद हेमंत। 6 ऋतुएं आयुर्वेद ने बताई हैं, उसमें से जो शिशिर बसंत और ग्रीष्म है उसमें सूर्य का प्रभाव ज्यादा रहता है भारत कॉन्टिनेंटल प्रदेश में। हम भारत का अभी ज्यादातर सोच कर रहे हैं, यूरोपियन देशों का अलग बात हो जाएगी, उसके ऊपर अलग वीडियो मैं बनाऊंगा। ये सब चीजें भारत के ऊपर निर्भर करती हैं। उसमें उत्तरायण बोलते हैं, सूर्य तत्व जो है जलीय तत्व का दहन कर लेता है, सकिंग ऑफ द वाटर, एंड शारीरिक शक्ति में धीरे धीरे करके दुर्बलता आती है। ध्यान में रखिए, शिशिर में दुर्बल, बसंत में और दुर्बल, और ग्रीष्म में तो पूरी हमारी एनर्जी खत्म हो जाती है। दक्षिणायन जो है उसमें वर्षा शरद और हेमंत ऋतु होते हैं, उसमें सूर्य की जो किरणें रहती हैं वो थोड़ी सी मंद और सौम्य होने से वातावरण में धीरे धीरे जलीय तत्व की वृद्धि होती है, शीतलता और स्निग्ध गुण से शक्ति में वृद्धि आ जाती है। फिर ध्यान में रखिए, ये असेंडिंग ऑर्डर है। वर्षा ऋतु में
स्ट्रेंथ धीरे से बढ़ेगी, किंच ज्यादा नहीं बढ़ेगी। ज्यादातर वर्षा ऋतु में इम्यूनिटी कम ही रहती है, शरद ऋतु में अच्छी हो जाएगी, और हेमंत नवंबर दिसंबर इज द हेल्थीस्ट सीजन ऑफ द ईयर। ध्यान में रखिए, भारतवर्ष में दिसंबर जो महीना है वो अति उत्तम हेल्दी सीजन हम कह सकते हैं। मान गए बात। ये देखिए, विभिन्न ऋतुओं में दोषों की प्राकृत या स्वाभाविक अवस्था कैसी रहती है। वात का संचय, वात जो दोष है उसमें जो पैथोलॉजी आने वाली है, विकृत आने वाली है, तो धीरे धीरे वात संचिति ग्रीष्म ऋतु में उसका प्रकोप ये डेंजरस है, घातक है। वात दोष का प्रकोप इस वर्षा ऋतु में, रेनी सीजन में होता है, और आगे चलकर शरद ऋतु में वो अच्छा हो जाता है, प्रशमन हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। पित्त का अभिचय संचय धीरे धीरे संचित होना वर्षा ऋतु में, शरद ऋतु में अक्टूबर हिट पित्त का प्रकोप, और हेमंत ऋतु में ठंडा हो जाएगा, पित्त की शांति हो जाएगी। कफ का संचय शिशिर ऋतु में, और आगे चलकर जैसे वो शिशिर वसंत, ये मैं थोड़ी गलत यहाँ पर मिस्टेक है, हो सकता तो मैं क्लियर कर देता हूँ, मेरे को मालूम नहीं, अभी तो मैं इधर इंग्लिश में लिख देता हूँ, वसंत ऋतु होना चाहिए यहाँ पर, सॉरी फॉर द मिस्टेक। ओके, सो यहाँ पर वसंत ऋतु ध्यान में रखिए, फिर एक बार मैं पावर पॉइंट पे लेता हूँ। तो ये देखिए, शिशिर ऋतु में संचय, वसंत ऋतु में स्प्रिंग में प्रकोप हो जाता है, और ग्रीष्म ऋतु में शांति हो जाती है। तो अभी हमें क्या ध्यान में रखना है, सिर्फ वर्षा ऋतु की बात करेंगे, रेनी सीजन की बात करेंगे, वात का प्रकोप है और पित्त का संचय है। इस वर्षा ऋतु में हमें बेस्ट टॉनिक नेचुरल रूप से नैसर्गिक तरीके से आयुर्वेद ने क्या कहा है, आयुर्वेद ने बताया है कि हिरडा हरित की चूर्ण 1 ग्राम का सम मात्रा में सैंधव में मिलाकर गर्म पानी के साथ हर रोज सेवन करना चाहिए, तो इससे आप तंदुरुस्त रह सकते हैं। दिस इज द टॉनिक फॉर वर्षा ऋतु, हिरडा चूर्ण। वर्षा ऋतु, हम वर्षा ऋतु की बात करते हैं, रेनी सीजन की, विसर्ग काल का आरंभ इस ऋतु से होता है। धीरे धीरे हमारी ताकत बढ़ती जाएगी, इस ऋतु में ताकत नहीं बढ़ती है, आकाश दिशाएं बादल छाए हुए रहते हैं, वातावरण में हरियाली के साथ साथ नमी, एक बात ध्यान में रखिए, मॉइस्चर, नमी और रुक्षता भी हो सकती है, रादर होती है। नमी के कारण मच्छर मक्खी आदि जंतुओं से जंतु संसर्ग इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ये देखिए प्राकृतिक भाव कैसे रहते हैं, इस ऋतु में, वर्षा ऋतु में अम्ल रस का, अम्ल एसिडिटी ज्यादा होती है, पृथ्वी और अग्नि तत्व ज्यादा होते हैं, वात दोष का प्रकोप और पित्त दोष का संचय होता है, जाठराग्नि डाइजेशन कैपेसिटी बिल्कुल मंद है, कोई भी खाना हजम नहीं हो पाता। ध्यान में रखिए, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्षा ऋतु में हम चाहते हैं कि वड़ा पाव खाएं, गरम गरम पाव भजी खाएं, हमारी मराठी भाषा में मैं बात कर रहा हूं, जो तले हुए पदार्थ खाने की बहुत ही इच्छा हो जाती है, गरम पदार्थ खाने की इच्छा कोई गलत नहीं है, गरम गरम चाय पीजिए, गरम गरम कॉफी पीजिए, गरम गरम सूप पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप तले हुए पदार्थ ज्यादा खाएं, गरम गरम भजियां वगैरह, तो आपको तकलीफ हो जाएगी, क्योंकि अग्नि मंद है, डाइजेशन इज वीक, और हमारी पूरी बॉडी की जो स्ट्रेंथ, जिसको बोलते हैं इम्यूनिटी बोलते हैं, व्याधि प्रतिकार क्षमता बोलते हैं, वो भी बहुत ही हीन दर्जा की होती है, कोई स्ट्रांग नहीं है, वर्षा ऋतु में बिल्कुल हम वीक है, वीक इम्यूनिटी के कारण ही ज्यादा बीमारियां इस वर्षा ऋतु में पाई जाती है। तो हमें शरीर की डिटॉक्सिफिकेशन करना है, ये वात दोष जो प्रकोपित हुआ है उसकी शांति करनी है, तो बस्ती देना चाहिए, मेडिकेटेड एनिमा, वैद्य जी के पास जाइए और बस्ती ले लीजिए। शरीर पर क्या असर होता है, पाचन शक्ति ग्रीष्म ऋतु में भी थोड़ी दुर्बल थी, और अभी वर्षा ऋतु में नमी के कारण वात दोष और प्रकोपित हो जाता है और पाचन शक्ति अधिक दुर्बल हो जाती है, बीच बीच में बारिश के बीच में सूर्य की गर्मी भी आ जाती है, तो उससे शरीर में पित्त दोष संचित होने लगता है। बाहर देखिए निसर्ग में तो गेहूं चावल आदि धान्यों की शक्ति भी इस ऋतु में कम ही रहती है, पौष्टिक न्यूट्रिशियस नहीं रहते। तो क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, हमें मलेरिया हो सकता है, टाइफॉइड, जॉन्डिस, ये जो एपिडेमिक्स होते हैं इस वर्षा ऋतु में, रेनी सीजन में ज्यादा होते हैं, फाइलेरिया की शिकायत, जुकाम, बुखार, दस्त, पेचिस, हैजा,
अंत्र शोथ, अपेंडिसाइटिस, कोलाइटिस, संधियों में, जोड़ों में दर्द होता है, दाद और खुजली आ जाती है, दमे की, सांस लगने की बीमारी ज्यादा बढ़ सकती है, तो उसमें हमें पथ्यकर आहार कैसा होता है? हल्के पचन होने वाले, ताजे ताजे, गर्म और पाचक अग्नि को बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन हितकारक है। ऐसे पदार्थ लेना चाहिए जिससे वात दोष का शमन हो जाए। पुराना अनाज, ध्यान में रखिए, पुराना पुराना अनाज लेना चाहिए, नया नया नहीं। उसमें पुराना अनाज में क्या हो जाता है, वाटर निकल जाता है। गेहूं, जौ, शाली और साठी चावल, मक्का, ये सब अच्छे हैं। सरसों, राई, खीरा, खिचड़ी, दही, मट्ठा, मूंग और अरहर की दाल, सब्जियों में लौकी, भिंडी, तोरई, टमाटर और पुदीना की चटनी, सब्जियों का सूप, फलों में सेब, केला, अनार, नाशपाती, पके जामुन और पके देशी आम तथा घी और तेल से बने नमकीन पदार्थ, तैले हुए नहीं। ध्यान में रखिए, ज्यादा तेल का इस्तेमाल कुकिंग में नहीं करना चाहिए। घी आप ले सकते हैं, हर रोज एक चम्मच, छोटा सा चम्मच घी लेने से अच्छा रहेगा वर्षा ऋतु में। गुदेदार जामुन जो होते हैं ना, उसका नियमित रूप का सेवन करने से त्वचा के रोग, फोड़े फुसियां, जलन और प्रमेह में भी डायबिटीज। डायबिटीज में हम क्या करते हैं, वो जामुन की जो गुठली रहती है ना, बीज बोलते हैं, जामुन का बीज, उसका चूर्ण हम लेते हैं। ध्यान में रखिए, जामुन ऊपर वाला नहीं, पल्प नहीं बोल रहा हूं मैं, अंदर वाली जो गुठली रहती है ना, सीड, उसको हम सेवन, चूर्ण का सेवन करने से, जामुन बीज चूर्ण इज वेरी गुड टू कंट्रोल योर ब्लड शुगर, शक्कर कम हो जाती है। भुट्टा खाने के बाद छाछ पीने से अच्छी तरह वो हजम हो जाता है। दही की लस्सी जो करेंगे हम, उसमें लौंग, त्रिकटू इज वेरी इंपॉर्टेंट, सौंठ, पिंपल और काली मिर्च, सेंधा नमक, अजवायन, काला नमक आदि डालकर पीने से पाचन शक्ति बढ़ जाती है। लहसुन, गार्लिक इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट, बेस्ट है, बेस्ट वर्षा ऋतु में। ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी में हमने नहीं लिया था, अभी इस बारी है वर्षा ऋतु में, थोड़ा थोड़ा लहसुन की चटनी, शहद भी ले सकते हैं, जल जल के साथ अन्य पदार्थों में शहद मिलाकर, शहद इज अ बेस्ट इन वर्षा ऋतु, हनी बोलते हैं। वात और कफ दोषों को शांत करने के लिए कटु, अम्ल, कटु का मतलब है तीखा, थोड़ा थोड़ा ना, स्पाइसेस आर इंपॉर्टेंट, क्षार पदार्थ लेने चाहिए। अम्ल, सावर, नमकीन और चिकनाई वाले पदार्थों का सेवन करने से वात दोष का शमन हो जाता है। चिकनाई मतलब थोड़े थोड़े फैटी सब्सटेंसेस, मैं जैसे घी का इस्तेमाल करना बहुत ही जरूरत है। ज्वार की उकड़, चावल की उकड़ आप खा सकते हैं। सूखे पदार्थ युक्त भोजन अधिक उपयुक्त होता है। खाने के साथ हमेशा शहद का उपयोग करना सीखिए। जिस दिन में बादल छाए और सूर्य दर्शन नहीं है, उस दिन ज्यादा से ज्यादा लंघन करिए, फास्टिंग, भोजन लेना ही है, जिसकी पित्त प्रकृति है उन्होंने हल्का और गर्म अन्न खाना चाहिए। पीने का पानी का हमेशा काढ़ा बनाकर, पीने का पानी का काढ़ा देखिए इस्तेमाल कीजिए। 4 लीटर पानी उबालना है, 1 लीटर बचाना है, उसको बोलते हैं पीने का पानी काढ़ा। पीने का पानी काढ़ा, 4 लीटर से 1 लीटर बचाएं और वही पिए। इस ऋतु में सादा पानी, बिल्कुल बिना उबाला पानी कभी भी नहीं पीना चाहिए, उबाल कर ही पीना चाहिए, काढ़ा बनाकर ही पीना चाहिए। शाकाहारी व्यक्ति उचित सब्जियां उबाल कर धनिया, जीरा, काली मिर्च, अदरक, खिंग लगाकर खा सकते हैं। इस ऋतु में जहां तक हो, जितना हो सके मांसाहार का सेवन न करें तो अच्छा है, करना ही है, हमें तो बताया कैसे करना है। इसका कारण यह है कि जिस पशु का मांस खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसे दिया जाने वाला आहार, पशुओं को उसे दिया जाने वाला पानी भी दूषित हो सकता है। इस तरह की जो प्रोबेबिलिटी, संभावना वर्षा ऋतु में ज्यादा होती है, ऐसे पशु का मांस दूषित होता है और इसे सेवन करने वाले स्वस्थ व्यक्ति की भी रोगग्रस्त होने की संभावना बिल्कुल बनी रहती है। घर से बाहर बनाए हुए खाद्य पदार्थ बिल्कुल मत खाइए। संसर्गजन्य रोग होने और फैलने की संभावना इस ऋतु में सबसे ज्यादा होती है। वाटर कॉन्टेमिनेशन, फूड कॉन्टेमिनेशन, ध्यान में रखिए, जंतु संसर्ग कॉन्टेमिनेशन इज मोस्ट कॉमन इन दिस डेज। एक बड़ा चम्मच शहद और पानी का काढ़ा हर दिन सेवन करें। पापड़ लेना है तो भूनकर खाएं, भूनकर, बाय जस्ट तली हुई चीजों का इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि हमारी पचन शक्ति बिल्कुल वीक हो गई है, उसका कम हो गया है, बिल्कुल पचन शक्ति खराब हो गई हमारी।
कुल्थी का पिठलं महाराष्ट्र में लोकप्रिय है, कोकण प्रांत में भी लोग कुलथ इज अ गुड थिंग इन वर्षा ऋतु, बट कुलथ का खाना अम्ल पित्त एसिडिटी वाले लोगों को बिल्कुल मना है। बिल्कुल कुलथ मत खाइए, जिसको भी एसिडिटी की शिकायत है उनकी शिकायत बढ़ जाएगी। वर्षा ऋतु में आंवले का मुरब्बा, मीठे अचार, नींबू का अचार, इसका अल्प प्रमाण में आप प्रयोग कर सकते हैं। पथ्यकर आहार की हमें सारांश में लिस्ट बनानी है तो शुक्र धान्य ले ले, ग्रेन्स तो लाल चावल, साठी चावल, गेहूं, ज्वार, भुने धान्य, भुने धान्य ध्यान में रखिए, दाल चावल, भुने धान्य। तरकारियां में बैंगन, परवर, लौकी, भिंडी अच्छी है। शिमबी धान्य पल्सेस में कुलथ, उड़द, मूंग, अरहर बिल्कुल अच्छा है। मांस वर्ग लेना ही है बाय चांस तो मटन और चिकन का इस्तेमाल कीजिए। कंदमूल में लहसुन, प्याज, अदरक, सूरन खा लीजिए। फलग में सफेद कद्दू, फलसा, अंगूर, छुहारा, आम, बेर, नींबू, कच्चे आम, चिरौंजी, सूख नारियल आप खा सकते हैं। दूध में छाछ है, दही है, घी है, दूध का सेवन, गरम गरम दूध का सेवन कर सकते हैं सूंठ डालकर। इतर लेना है तो सेंधा नमक, गुड़, हरी धनिया, जीरा, पुदीना, हिंग, काली मिर्च अच्छी है। उबाला हुआ पानी, गुनगुना पानी, ताजा बरसात का पानी, ये सब चीजें अच्छे हैं। ये देखिए गार्लिक अच्छा है, वार्म वाटर, हनी, उद्वर्तन जिसको मसाज बोलते हैं, देन बस्ती यंत्र यहाँ पर दिखाया है। पथ्य आहार में देखिए जल की शुद्धि का विशेष ध्यान देना चाहिए, रात्रि का भोजन जल्दी करना चाहिए और भोजन भूख लगने पर और ठीक समय पर ही खाना चाहिए, क्योंकि पाचन शक्ति मंद है ध्यान में रखिए। शरीर पर उपटन, ड्राई पाउडर का मालिश, सिकाई करना, सेक देना लाभदायक है। हमारे जो वस्त्र है, वस्त्र साफ सुथरे और उष्णता देने वाले वुलन जैसे बच्चों को पहनना चाहिए। भीगने पर तुरंत वस्त्र बदल लेना चाहिए। ऐसे स्थान पर सोना चाहिए जहां अधिक हवा और नमी मॉइस्चर न हो। वर्षा ऋतु की तैयारी इसी ढंग से हम करते हैं। पथ्य विहार में मच्छर आदि बचने के लिए मच्छरदानी का प्रयोग कीजिए। घर के आसपास में गड्ढों में जमा हुए सड़ रहे पानी के में मच्छर, मक्खियां आदि कीड़े बहुत पनपते हैं और रोग फैलाते हैं। उसमें कीटकनाशक छिड़क देना बहुत ही जरूरत है। कारपोरेशन को बता दीजिए। सफाई का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। नित्य प्रति वस्त्रों को धूपन करना चाहिए। सूखे क्लेद रहित स्थान पर रहना चाहिए। और जिसको दमे की शिकायत है, लंग्स की बीमारियां है, उन्होंने आयुर्वेदिक तरीके से धूमपान, जो सिगार मिलती है आयुर्वेदिक मेडिसिनल, वो लेकर उसका धूमपान करते सकते हैं। निकोटिन नहीं बोल रहा हूं मैं, नॉर्मल स्मोकिंग नहीं बोल रहा हूं, बस्ती मेडिकेटेड एनिमल लेना चाहिए। अपथ्यकर क्या है? पत्ते वाली सब्जियां, ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स, ठंडे ठंडे फ्रीज वाले रूखे रूखे पदार्थ अच्छे नहीं है। चना, मोंठ, उड़द, जव, मटर, मसूर, आलू, कटहल, सिंघाड़ा, करेला पानी में सत्तू घोल कर लेना ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। जल वर्षा बहुत कम होती है तब पित्त का प्रकोप होने लगता है। इस समय खट्टे तले हुए बेसन से बने पदार्थ, तेज मिर्च मसाले वाले बासी खाद्य पदार्थ, ये पित्त बढ़ाने वाले खाद्यों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आगे शरद ऋतु में आपको क्या हो जाएगा, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो जाएंगे, स्किन की बीमारियां हो जाएगी। भारी भोजन नहीं करना चाहिए, पाचन शक्ति हमारी दुर्बल है। बार बार भोजन करना, भूख न लगने पर भी भोजन करना, रात के समय दही खाना अच्छा नहीं, मट्ठा तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। फल, सब्जी आदि खाद्य पदार्थ अच्छी तरह धोए बिना नहीं खाना चाहिए। कॉन्टेमिनेशन, पोल्यूशन ध्यान में रखिए। नदी, तालाब आदि का शुद्ध जल तथा जहां जहां दूषित जल है वो बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, उबाल कर ही पीना चाहिए। पाचन शक्ति कम है इसलिए बार बार खाना, बार बार अधिक मात्रा में खाना, पचने में गुरु पदार्थ जैसे हलवा, पूरी, मिठाई, ये अयोग्य है। दो बार ही, सिर्फ दो बार भोजन करें। दो भोजन के बीच में कुछ बिल्कुल नहीं खाना है। भूख लगती भी है तो खाया हुआ अन्न ठीक से हजम नहीं हो पाएगा। बहुत बहुत जिसकी पित्त प्रकृति, उसको भूख बीच में लगेगी तो उन्होंने गर्म पानी में नींबू का शरबत बनाकर पीना चाहिए। टमाटर सूप है, मक्खन बनाया हुआ पाव, टोस्ट ध्यान में रखिए, टोस्ट खाना चाहिए, टोस्ट। शॉर्ट लिस्ट बनाई है हमने अपथ्याहार की। बाजरा, मकई, जव नहीं खाना चाहिए। पालक, करेला, सूखी सब्जियां, गोभी नहीं खानी चाहिए। मोठ, मसूर, निष्पाव, मटर, चना वात प्रकोप के गैस बना देते हैं, नहीं खाने चाहिए। सूखा मांस, मछली बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। आलू, सिंघाड़ा, साबूदाना, गाजर, कमलगट्टा, अरवी नहीं खाने चाहिए। ककड़ी, खरबूज, जामुन, गेंद नहीं खाने चाहिए। भैंस का दूध गुरु होता है, गाय का तो ठीक है, भैंस का दूध गुरु होता है, पर हजम नहीं हो पाएगा। पनीर बिल्कुल नहीं, पीयूष, शरबत, बंगाली मिठाइयाँ, जिलेबी, इमरती बिल्कुल नहीं खानी चाहिए।
तली हुई चीजें, स्क्वैश, शरबत नहीं लेना चाहिए, ठंडा पानी, ठंडा ठंडा कूल कूल, कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स बेवरेजेस नहीं लेनी चाहिए, फ्रिज का इस्तेमाल बंद कर दीजिए, बिना उबाला पानी लेने से तकलीफ हो जाएगी, कॉन्टेमिनेशन ऑफ वाटर एंड कॉन्टेमिनेशन ऑफ फूड, दिन में सोना गलत है, धूप में घूमना सोना, अधिक मैथुन करना, अधिक पैदल चलना एवं अधिक शारीरिक व्यायाम भी हानिप्रद है, गीले नमीयुक्त वस्त्रों और बिस्तर का प्रयोग से क्या हो जाएगा, फंगल इन्फेक्शन, स्केबीज जैसी बीमारी हो जाएगी, त्वचा की चमड़ी की बीमारियां, साइकिल स्कूटर आदि वाहन तेज गति नहीं चलाना चाहिए, कहीं भी फिसल जाएंगे आप, एक्सीडेंट हो जाएगा, फ्रैक्चर्स हो जाएंगे, सावधान बरतिए, शरीर के जोड़ों विशेषता जांघों के जोड़ों और गुप्त अंगों के आसपास की जो चमड़ी है पानी या पसीने से गीला होने से बचाएं, उधर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, टीनिया क्रूरिस बोलते हैं, दिन में सोना नहीं, व्यायाम ज्यादा नहीं करना, धूप में घूमना मना है, मैथुन ज्यादा सेवन करना मना है। कौन सी दवाएं आपके लिए बहुत अच्छी हैं, संजीवनी गुटी, जब भी आपको जॉन्डिस की शिकार, कामला बीमारी, पीलेपन की बीमारियां हो जाती हैं, एपिडेमिक्स आ जाती हैं, तो संजीवनी, जहां दस्त की शिकायतें, लूज मोशन हो रहे हैं, अमीबियासिस हो रहा है, तो संजीवनी गुटी दो दो गोलियां तीन बार गर्म पानी के साथ, त्रिभुवन कीर्ति, बहुत जुकाम हो, बुखार हो, सर्दी हो, खांसी हो, नाक पानी से सब भरा हुआ हो, तो त्रिभुवन कीर्ति दो दो गोलियां तीन बार गर्म पानी के साथ, जोड़ों में दर्द है, संधिवात, दशमलारिष्ट, संधिवात की बीमारियां हैं, दमे की बीमारियां हैं, तो दशमलारिष्ट हमारे पास है, चार चम्मच पानी खाना खाने के पहले, लंच एंड बिफोर डिनर, तुलसी घनवटी इज ऑल्सो द बेस्ट टॉनिक, एवरी डे यू कैन टेक द तुलसी घनवटी इन द मॉर्निंग, इट विल प्रिवेंट द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, जो सांस की बीमारियां होती हैं, जुकाम बुखार, इससे बिल्कुल आप बच सकते हैं, तुलसी से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, सो तुलसी घनवटी इज द बेस्ट टॉनिक फॉर वर्षा ऋतु। काढ़े चिराइत, बुखार कम करना है हमें तो काढ़े चिराइत लेना है, कुटज घनवटी, लूज मोशन हो रहे हैं तो कुटज घनवटी दो दो गोलियां तीन बार, सांस की शिकायत है, ब्रोंकियल अस्थमा, रिंगणी घनवटी हमारे पास, ये देखिए यहाँ पर सब दिखाया मैंने, जब गले में खराश हो, खांसी हो, ज्यादा कफ निकल रहा हो, तो लवंग आदि वटी लोजेन जैसे चूसने के लिए है, ये देखो वचा पाउडर, बच्चों के लिए जब भी बारिश के समय भीग कर आते हैं या हमारे स्नान के बाद, थोड़ा सा इधर उधर, ज्यादा नहीं और ज्यादा घिसना नहीं, ये वचा पाउडर जो है ना वो बहुत उष्ण रहती है, तीक्ष्ण रहती है, तो ज्यादा मसलने से आग पैदा हो जाएगी, सीधा लगाना है, थोड़ा थोड़ा लगाना है, इधर थोड़े छाती पर, पीठ पर थोड़ी थोड़ी पाउडर, बड़ों भी लगा सकते हैं, वचा तेल नाक में डालना है या नहीं तो लगाना है, हमारी नेल्स कट करके अंगुली से ऐसे अंदर से डाले तो जो बाहर से जो हमारी कुछ इन्फेक्शन की शिकायत है, वायरस है, बैक्टीरिया है, वो अंदर नहीं आने के लिए वचा तेल प्रतिसारण बोलते हैं। त्रिकटु, डाइजेशन अच्छा रहने के लिए, जिसका पहले से ही डाइजेशन वीक है, कॉन्स्टिपेशन है, गैसेस की शिकायत है, तो उन्होंने त्रिकटु टैबलेट एक एक गोली दो बार गर्म पानी के साथ लेनी चाहिए। सो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, ये वर्षा ऋतु, बारिश के सीजन में हमने ये सब परहेज रखा तो मैं जानता हूँ कि आप सब लोग ये वर्षा ऋतु में जो अच्छी अच्छी चीजें होती है, बारिश तो किसको नहीं अच्छा लगता, सबको अच्छा लगता है, तो हरियाली रहती है, तो उस ऋतु का जो आनंद हम हमारी क्या बोलते हैं ना, तबीयत अच्छे रखकर ले सकते हैं, उतना जरूर ले सकेंगे। फिलहाल ये वर्षा ऋतु में जो जो बातें मैंने कही है, क्या लेना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, ये सब बातें आप ध्यान रखेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। फिर जो जो मेडिसिन बताई उसके बारे में ध्यान में रखिए, कौन सी भी बीमारी में यथावश्यक यथाकाल वैद्यकीय सलाह लेना बहुत जरूरत है, ये डिस्क्लेमर है मेरा। और एक बात, जिसको भी कुछ शिकायत है, ये देखिए आगे चलते हैं। डू यू वॉन्ट एनी एडवाइस फॉर योर एनी हेल्थ प्रॉब्लम, जस्ट व्हाट्सएप मी 9226810630। डू यू वॉन्ट एनी वीडियो ऑन एनी स्पेसिफिक टॉपिक, आई ऑल्सो डू द पेड वीडियोज। जिसको भी कौन सी भी वीडियो की जो मैंने पीपीटी दिखाता हूँ वो पीपीटी चाहिए, वो भी पेड पीपीटी आपको मिल सकती है, आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, इसी तरह मेरे पर विश्वास रखें, मेरे पर क्या बोलते हैं ना, फीडबैक दे दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कृपा करके मेरा यूट्यूब चैनल आयुर्वेद एकेडमी सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद, मैं आपको सबको शुभकामनाएं देते हुए, वर्षा ऋतु में आप सबकी सेहत अच्छी रहेगी, ये मेरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय। मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ।